नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। पिपरजॉय तूफान को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए बचाव कार्यो के निर्देश। आमजन से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान भवन निर्माण हेतु भूमि का आवंटन। मुख्यमंत्री ने लिखा कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों को पत्र। नव चयनित आईएएस प्रतिनिधिमंडल ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। सीएम ने कहा राष्ट्र और समाज के विकास में सिविल सेवा अधिकार। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर पिपरजॉय तूफान से संभावित नुकसान से बचाव के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मौसम विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पिपरजॉय तूफान 16 जून को दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में पहुंचने की संभावना है। 16 और 17 जून को जोधपुर और उदयपुर संभागों में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। 16 जून को जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में, 17 जून को जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की आशंका है। तूफान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के निचले इलाकों में जलभराव, मकान क्षतिग्रस्त होने और बिजली पोल और पेड़ पौधों के उखड़ने की आशंका है। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को बचाव और राहत कार्यों के लिए तैयार रहने के लिए निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जिलों के प्रभावित होने की संभावना है, वहां आमजन के बचाव और राहत के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद रहे। इन जिलों में SDRF, नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक और आपदा मित्र को शामिल कर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की जाए। उन्होंने आमजन से अपील की कि तूफान संभावित क्षेत्रों में बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर ही शरण ले। वहीं मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने भी VC के जरिए पिपरजॉय चक्रवाती तूफान से बचाव को लेकर जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में बैठक ली। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि चक्रवाती तूफान से बचाव को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। किसी भी हालात से निपटने के लिए SDRF की 17 टीमें नियुक्त की गई हैं और 30 टीमें रिजर्व में हैं। जहां कहीं भी इसकी जरूरत होगी, वहां इन्हें भेजा जाएगा। मुख्य सचिव महोदय ने सभी जिला कलेक्टर्स, SPs, डिवीजन कमिश्नर साहिबान और SP और IG साहिबान की बैठक ली है। इसमें जो 16 और 17 को राजस्थान के अंदर पिपरजॉय के नाम से जो तूफान अरब सागर से गुजरता हुआ गुजरात होते हुए जो आ रहा है, उसके प्रभाव को और उसके बचाव के लिए एक विस्तृत समीक्षा बैठक ली गई और सभी को निर्देश दिए गए। इस संबंध में मैं सभी उदयपुर जिले वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि कल 15 तारीख को दोपहर बाद से ही बरसात की संभावना है और 16 तारीख को तेज़ आंधी हवाएं चलने की और भारी बरसात की चेतावनी है। इसी तरह 17 को भी जो है वो और ज़्यादा बारिश और आंधी तूफान चलेगा, तो इन दिनों विशेष सतर्कता बरतें और इस तरह से कोई भी जो है वो खुले में जाने से बचें, जिससे कि कोई पेड़ गिरने से या कोई टिन शेड गिरने से क्षति हो सके। टिन शेड वगैरह के और जो अस्थायी स्ट्रक्चर हैं उनमें रहने वाले लोग भी विशेष सावधानी बरतें और अगर किसी को ऐसी कोई संभावना और कोई समस्या हो तो वो हमको कंट्रोल रूम नंबर है जो हमारा 2414620, जिसमें 0294 अगर मोबाइल से करते हैं तो कोड नंबर लगा सकते हैं। ये 24/7 चल रहा है, इस पर भी आप सूचित कर सकते हैं, तो जिसमें ताकि यथासमय किसी को मदद की जरूरत पड़े तो वो पहुंच सकती है। तो सभी से जो है ये निवेदन करता हूँ कि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचना पहुँचाएँ, ताकि अगर हम सतर्क हैं तो सजग हैं और सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से बुधवार को राजस्थान राज्य के सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अभ्यर्थी सिविल सेवा परीक्षा में सफल हो पाते हैं। उन्होंने कहा कि विनम्रता, ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करने वाले अधिकारियों को सेवा के दौरान और सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज में विशेष सम्मान मिलता है। मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों से राज्य में चल रही योजनाओं पर चर्चा की
और कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सभी वर्गों के लिए योजनाएं संचालित कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों से राजस्थान शिक्षा में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस दौरान नवचयनित अधिकारियों ने भी राज्य सरकार की योजनाओं व अपने शिक्षा के दौरान के अनुभव साझा किए। प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई राहत कैंप, ओपीएस तकनीकी क्षेत्र में किए गए नवाचारों और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को नवी मुंबई में स्थित राजस्थान भवन की तर्ज पर प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन के लिए पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि राजस्थान भवन निर्माण के लिए बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में उचित स्थान पर 3,000 वर्ग मीटर भूमि का आवंटन किया जाए। मुख्यमंत्री ने पत्रों में लिखा है कि राजस्थान भवन के निर्माण से शहर में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध होने के साथ साथ राजस्थानी कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम और प्रदर्शनी आयोजित हो सकेंगी, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही राजस्थानी प्रवासियों और यात्रा कर रहे राजस्थानियों को घर से दूर घर जैसा वातावरण मिल सकेगा और वे राजस्थानी व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे। प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आमजन का उत्साह बरकरार है। कैंपों में लाभान्वित परिवारों के साथ ही गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा भी हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। इन कैंपों में अब तक लाभान्वित परिवारों की संख्या 1,60,00,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा भी 7,04,00,000 से ज्यादा हो गया है। जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना के तहत रामेश्वरम व मदुरई के लिए जाने वाली तीर्थयात्रियों को लेकर ट्रेन रवाना हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारी अमूल्य धरोहर है। भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को विशेष आदर और सम्मान दिया जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने जिम्मेदारी निभाते हुए साल 2013 में वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रा योजना की शुरुआत की थी। उस समय 41,000 यात्रियों को विभिन्न स्थलों पर भेजकर दर्शन कराए गए। अब तक 1,17,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई जा चुकी है। वहीं देवस्थान मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस योजना में नए तीर्थ स्थल जोड़कर इसे आगे बढ़ाया है। इस वर्ष बजट घोषणा के अनुरूप 40,000 लोगों को यात्रा कराई जाएगी। साथ ही कोरोना काल में वंचित 1,00,000 यात्रियों को 2 साल में तीर्थ दर्शन करवाएंगे। एक हजार वरिष्ठ नागरिक का रामेश्वरम और मीनाक्षी मंदिर मदुरई जा रहे हैं। सबसे पहले आप सबको मेरी ओर से तमाम साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपके यात्रा मंगल में हो। हमने हमेशा ध्यान रखा है तीर्थ यात्राओं का सम्मान करना। जो बुजुर्ग हैं उनकी जो भाव होते हैं मैं एक बार जिंदगी में ज्यादा करूँ, इसलिए ये नवाचार किया गया। सरकार की तरफ से पहली बार तमाम तरह की सुविधाएं देने के साथ में कोई कठिनाई नहीं है, बैठक नहीं आपका होगा। कोरोना में 1,00,000 अपील पेंडिंग हो गई थी कोविड के वक्त में, ध्यान ही पैके तो मैंने इस बार बजट में घोषणा करी है। तमाम 1,00,000 लोग तीर्थयात्रियों को 1,00,000 तीर्थयात्रियों में 2 साल में यात्रा करवानी जाएगी, ये मैंने घोषणा कर दी। आज एकादशी के दिन हम जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है उसका जो पहले हमने 20,000 यात्री भेजे थे और अब हम 40,000 भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये योजना 2013 में शुरू करी थी कि हमारे राजस्थान के बुजुर्ग जिनकी इच्छा रहती है कि मैं रामेश्वरम जाऊं, वैष्णो माता जाऊं, गंगा सागर जाऊं, तो उन चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2013 में शुरुआत करी और 2013 से हमारी सरकार रेगुलर यात्रियों को भेज रही है, वरिष्ठ नागरिकों को। पिछली बार अभी गए 20,000, अब 40,000 को भेज रहे हैं, जिसमें काठमांडू भी मुख्यमंत्री महोदय ने जोड़ा है, पशुपतिनाथ भी, कि हवाई यात्रा भी मेरे राजस्थान का बुजुर्ग करे, बुजुर्ग दंपति वहाँ जाए। तो सामान्य मुख्यमंत्री महोदय ने जो व्यवस्थाएं की हैं, आप देखेंगे कि कितने लोग और कितना उत्साह लोगों के अंदर है। ये अभी इस सत्र की जैसे पहले वो समाप्त हो गया, अब 40,000 की पहली शुरुआत है, अब ऐसे जाते रहेंगे, टोटल हमारे 40,000 वरिष्ठ नागरिक यात्रा करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।